नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आ गया हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धनादन कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। आप सभी दर्शकों को एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि कैसे प्रतीक सहजपाल को मिल रहा है बवाल सपोर्ट। दोस्तों, हम सब ने कल के एपिसोड में एक साफ बात देखी कि प्रतीक का क्या मुद्दा था, प्रतीक की क्या बात थी और राखी ने उस पर क्या मुद्दा बनाया। हम सबको पता है दोस्तों, तो बिग बॉस के घर में कल के दिन हमने देखा था कि प्रतीक ने सिर्फ इतना बोला था, सेंसलेस एक बात थी, नॉर्मल सी ऐसी हंसी खुशी वाली बात थी, जैसे राखी खजुई 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 बोलती रहती है वैसे ही उसी तर्ज पे था कि राखी आप जो है पिलपिली बिस्किट हो, ठीक है, एकदम गली हुई बिस्किट हो गई हो, ठीक है। जिस पर राखी सावंत को लगने लगा, ओ माय गॉड, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट माय एज। राखी को मिल गया मुद्दा। अब इनमें से सबसे ज्यादा सीनियर कॉन्टेस्टेंट जो अगर हैं दोस्तों, वो शमिता राखी ही है, ठीक है। और उसी चीज को लेकर प्रतीक ने आज तक शमिता को एज शेमिंग नहीं करी, बट यहां पर राखी सावंत का कहना था, इसने मेरी एज शेमिंग करी है, इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे वो कहा। और उसके बाद जो बवाल उठा पूरा घर में, हम सबको पता है दोस्तों, प्रतीक रोया, प्रतीक के आंसू देखे हमने। और यहां पर आपको बता दूं तो जनता का झांटा का सपोर्ट प्रतीक सहजपाल को मिला है। जी हां, सोशल मीडिया पे उसके बाद से ही ये प्रतिक्रिया आने लग गई है कि प्रतीक सहजपाल यू आर अमेजिंग, प्रतीक सहजपाल आप रो मत, क्योंकि राखी सावंत इसी तरीके से हरकत करती है। उसने लास्ट ईयर जैस्मिन की भी ऐसी ही दुर्गति करी थी, अभिनव और रुबीना के रिश्ते को भी इसने ऐसे ही करा था, तो आप बस रो मत। जी हाँ, प्रतीक सहजपाल को तो मैंने भी पर्सनल मैसेज दिया और कल ही मैंने अपने रिव्यू में बात बोलती कि प्रतीक सहजपाल जस्ट डोंट क्राई फॉर दिस थिंग, आपको ट्रॉफी अगर जीतनी है तो ये सब चीजें तो देखनी पड़ेंगी और राखी सावंत का यही एक अस्त्र रहता है। सो यस गाइस, कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे जरूर बताएं आपको क्या है क्या ना, बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज।